पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जो भीख मांगने के लिए बाहर जा रहे हैं कि अल्लाह तौबा पाकिस्तानी भिखारी भी कमाने के लिए बैरूने मुल्क पहुंच गए हैं। बहुत बढ़िया, हमारे जापान के अंदर हमारे पाकिस्तानियों का बायकॉट भी चल रहा है। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। वो कह रहे हैं कि भाई निकलो। क्या बात कर रहा है, क्या कर रहे हो यहाँ पर तुम? हम क्या इतने करप्ट हो गए? और नहीं तो क्या? क्या हमारे ये इमेज है दुनिया में? हम दिखा रहे अपने मुल्क और कौम की भिखारी हो। जापान के लोग कैंपेन स्टार्ट कर चुके हैं कि पाकिस्तानियों मुसलमानों यहाँ से निकल जाओ, दफा हो जो हमारे मुल्क से। तुम लोगों ने हमारा मुल्क बर्बाद कर दिया। क्या वजह है? हर मुल्क में, दुनिया के हर कोने में, हर कल्चर में एक कौम है जिसके खिलाफ लोग मुजाहरे कर रहे हैं रोज, हर जगह पे। आप मंदिरें तोड़ते हैं, आप मस्जिदें तोड़ते हैं, आप इमामबाड़ा तोड़ते हैं, आप चर्च तोड़ते हैं, आप गिरजा तोड़ते हैं, आप यहूदियों के कब्रिस्तान को आप पार्क बनाते हैं, आप शारदा पीठ मंदिर को आप कॉफी हाउस बनाते हैं। अपनी औरतें इन्होंने देखी नहीं होती तो अंदर से तूफान आया होता है शलवार में, तभी बकरियों को खड़का देते हैं, खोतों को खड़का देते हैं, कभी किसको खड़का देते हैं, तो ये करते रहते हैं। पाकिस्तान के पास चैलेंजेस का मुकाबला करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप जापान की बात करते हैं, आप किसी भी मज़ार पे चले जाएं, आप किसी भी मोहल्ले में चले जाएं, सड़क पे चले जाएं, हमारी तो आदत बन गई है भीख मांगना। हाय हाय, इतना सुकून, इतना सुकून। ला रिग्रेट कर रहे होंगे यार कि मैंने क्या पाकिस्तान बनाया, कैसा बनाया, कैसे लोग हैं ये, अजीबो गरीब लोग हैं। हिंदुस्तान के लिए जापान, सऊदी, दुबई ऐसे मुल्कों ने क्यों नहीं कहा गेट आउट इंडियंस, गेट आउट इंडियंस, या गेट आउट इंडियन मुस्लिम, या गेट आउट इंडियन हिंदू, क्यों नहीं कहा? भाई उसके लीडर जो है ना वो सही होते हैं ना, हमारा जो लीडर है वो तो कहते हैं कि मेरे डॉलर दे दो, सब कुछ निकाल लो, जो करने हमारा मुल्क भी ले लो, लेकिन पैसे दे दो। तो फिर होगा क्या? सब मेरा दिल कह रहा है कि मैं इंडिया का होता तो अच्छा होता। ये जापान में जापानी लोग रोड पे निकल आए और इस बात के लिए निकले हैं कि पाकिस्तानियों को या इस्लामी लोगों को हमारे मुल्क से निकाल के बाहर फेंक दो, क्योंकि ये लोग जहाँ भी जाते हैं ना वहाँ गंदी फैलाते हैं। चाहे तुम फ्रांस को देख लो, चाहे ब्रिटेन को देख लो, चाहे यूके को देख लो, चाहे जर्मनी को देख लो, पूरे यूरोप को देख लो आप, ये पाकिस्तानी अपने साथ अपनी जहालत जरूर लेके जाते हैं, परफेक्ट नॉकआउट कर दिया, और वहाँ जाकर भीख मांगते हैं क्योंकि टैलेंट तो कुछ है ही नहीं इनके अंदर। और ऐसी टैलेंटेड पाकिस्तानी लड़की से मैं आपको मिलाता हूँ जो मॉरिशस में रहती है, वहाँ भीख मांगती है और भीख मांग मांग के उसने क्या बनाया, और जब वो पाकिस्तान में आई तो एक महारानी की तरह उसका स्वागत किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपका नाम क्या है? लाइबा। लाइबा, मुझे ये बताएं आप मलेशिया में? जी। तो पाकिस्तान क्यों आई? वैसे ही बस चक्कर लगता रहता है। तो पहले ये बताएं मलेशिया में आपके पास क्या क्या है? दो फ्लैट्स हैं, कार है और अपना बिजनेस भी है। बिजनेस भी कर रहे हैं? जी जी। और मुझे ये बताएं कि घर वाले सब वहीं रहते हैं? जी जी। पाकिस्तान रिश्तेदारों से मिलने आई हूं? जी, बस चक्कर लगता रहता है, चक्कर ये तो आम बात है। इतनी अमीर कैसे हुई? भीख मांग कर। ये पक्की बात है? जी जी। ये आप क्यों इतना सच जो है अब बोलने के लिए, आपने कहा मैं सच बोलूंगी? देखिए सच तो छुपा नहीं रहता, बताना चाहिए ना अपने बारे में, अपनी पहचान बतानी चाहिए कि आप कैसे अमीर हुए, क्या किया। बस लोगों को देखकर ऐसे, मतलब देखते थे कि ऐसे इशारों पे मांग रहे होते हैं, तो मैं सोचती थी कि ये कैसे कर लेते हैं और अमीर भी होते हैं बहुत। फिर मैंने भी कहा कि मैं ट्राई करती हूँ, मैंने किया और बहुत ज्यादा पैसे मुझे इकट्ठे हुए कि माशाल्लाह देखे मैं कहा। आपने 5 साल में ये पैसे? जी जी। तो उधर देख के जरा ये बताएं कि भीख मांगती कैसे थी, क्या बहाना करती थी, क्या सारा करती? ना बीना बनकर, हाथ में किताब पकड़कर, और हर किसी को अपनी झूठी कहानी बतानी कि मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं और मैं सिर्फ एक ही हूँ, घर चलाना है, मेरे अब्बू बीमार हैं, वो कोई काम नहीं कर सकते, बस इस तरह की कहानियाँ बतानी उनको। अच्छा, आप इस तरह मांगती थी, मुझे अब ये बताएं कि किस किस इशारे पे आपने ज्यादा मांगा है और कहाँ? तो भैया पाकिस्तान के पीएम भी भीख मांगता है, पाकिस्तान की आवाम भी भीख मांगती है, और पाकिस्तान की मोहतरमाएं वो भी भीख मांगती है। यही तो कयामत है। इसी टॉपिक पे पाकिस्तानी पब्लिक का क्या कहना है, चलते हैं पाकिस्तान। चलो चलो चलो। दुबई ने हमारे वीजों पर पाबंदी लगाई, सऊदीया ने भी रिस्ट्रिक्शन लगाई है, यूएई भी तो हमें वीजे नहीं प्रोवाइड कर रहा। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं सर जापान के अंदर, क्या जुल्म ढा दिया जापान के अंदर, बात करूं हमारे कुछ लोगों की वीडियो जो सोशल मीडिया पर, हमारे लोग ना वहाँ पर जाके भीख मांग रहे हैं। भिखारी हो? तो
ये क्यों, क्या किस वजह से बैन होते हैं? देखें, पाकिस्तान से लोग जाते हैं वहाँ पर अपना रोज़गार ढूंढने के लिए, पढ़ने के लिए, इस तरह की चीज़ें करने के लिए नहीं जाते। ये लोग जाते हैं तो इनका इनको इनका फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, लेकिन वहाँ जाकर ये इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट जो ऑफ़ कोर्स इनको बैन करेगी, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के बहुत से मसाइल बनते हैं, जैसे लोगों को बाकी लोगों को इसको फेस करना पड़ेगा। अब आगे जो बंदा वीज़े के लिए अप्लाई करेगा तो ज़ाहिर है वो इस चीज़ को देखेंगे कि ये पाकिस्तान से है, और जब वो कंट्रीज़ को देखेंगे तो ज़ाहिर है ऑफ़ कोर्स वीज़ा देने में मुश्किल आएगी। इस सब में दूसरी कंट्रीज़ भी अभी तक इस तरह का कोई, अफगानिस्तान में हमने नहीं देखा यूएई ने उनके वीज़ों पर पाबंदी लगाई हो। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बांग्लादेश की, हमारे नहीं पता चलता, इंडिया की पता करें, इतनी बड़ी बात है, वहाँ से इस तरह की खबर नहीं आती। जापान के अंदर यार, इतनी डेवलप सिटी के अंदर हम जाकर, कंट्री के अंदर हम जाकर मांग रही है, कोई अच्छी बात भिखारी? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। देखें, पाकिस्तान की कौम के अंदर ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा है कि इन्हें ना मेहनत की आदत नहीं है। ये इजी रास्ता ढूंढते हैं, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, ये लॉन्ग पाथ की तरफ नहीं जाते, जिसकी वजह से वहाँ जाके भीख मांगना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जाहिर है वहाँ पे करेंसी दूसरी होती है, जब उसको पाकिस्तान में चेंज करते हैं उनके पैसे ज़्यादा बन जाते हैं, तो उसको मेहनत से ही रिप्लेस करके मांगना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे जापान के अंदर हमारे पाकिस्तानियों का बायकॉट भी चल रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई निकलो, क्या कर रहे हो यहाँ पर तुम, हम क्या इतने करप्ट हो गए हैं क्या, हमारे ये इमेज है दुनिया में हम दिखा रहे हैं अपने मुल्क और कौम की। ये हमारा कौमी अलमिया हो गया है कि हम भीख मांगने पे पता नहीं किस शक्ल में आसानी से। आप जापान की बात करते हैं, आप किसी भी मज़ार पे चले जाएं, आप किसी भी मोहल्ले में चले जाएं, सड़क पे चले जाएं, हमारी तो आदत बन गई है भीख मांगना। थके हुए कौम ही है ये, हारी हुई कौम ही है। जापान के अंदर से जब हम इस तरह करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता अभी देखेंगे यूके के अंदर भी, बर्मिंघम जो सिटी, वो जो उनका शहर है, वो सारा बैंकरप्ट हो गया। कहते हैं पाकिस्तानी वहां पर जाते काम धंधा नहीं करते, गवर्नमेंट के ऊपर बोझ है, उनके बच्चों के स्कूल की फीस उनको जो गवर्नमेंट महाना पे करती है, जिनको नौकरियां नहीं मिलती, तो हमारे लोग काम ही नहीं कर रहे यार दुनिया में जाकर। तो हमारे इस तरह की जब न्यूज निकलती है तो इससे हमारी क्या वैल्यू रह जाएगी यार? वैल्यू तो हमारी खत्म हो गई ना, जब हमने काम ही नहीं करना, गए हैं हम यहाँ से। उनका सिस्टम है, वो मदद करते हैं, वो देते हैं अस्पताल की, आप यहाँ अस्पतालों का असर देख लें, टाइलें लग रही हैं, दवाई नहीं है, वहाँ आप फोन करेंगे एम्बुलेंस आ जाएगी, अस्पताल ले जाएंगे, वहाँ इलाज होगा, सब कुछ होगा, उनका वापस आ जाएंगे, तो ये तो उनका सिस्टम है। बदकिस्मती और अफसोस के साथ एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है जापान के मुलक ने, एक कंपेन स्टार्ट की है, गेट आउट मोमिनों का लफ्ज उन्होंने यूज किया है, मतलब के पाकिस्तानी भी नहीं कुछ भी नहीं, उन्होंने मोमिनों का लफ्ज यूज किया है। कितनी बड़ी शर्मिंदगी है कि जापान के आज कंपेन स्टार्ट की गई है कि मोमिनो हमारे मुल्क से चले जाओ, क्या बनेगा इलेक्शन के दिन पे इतनी बड़ी इंसल्ट हमारी हिंदुस्तान के लिए? जापान, सऊदी, दुबई ऐसे मुल्कों ने क्यों नहीं कहा गेट आउट इंडियन, गेट आउट इंडियंस, या गेट आउट इंडियन मुस्लिम, या गेट आउट इंडियन हिंदू, क्यों नहीं कहा कभी? भाई उसके लीडर जो है ना, वो सही होते हैं ना, उसके अपने मुल्क के लिए। हमारा जो लीडर है वो तो कहते हैं कि मेरे डॉलर दे दो, सब कुछ निकाल दो, जो करने हमारा मुल्क भी ले लो, लेकिन पैसे ही दे दो। सब मेरा दिल कह रहा है कि मैं इंडिया का होता तो अच्छा होता। जापान के अंदर एक कैंपेन स्टार्ट हुई है आज के दिन पे कि मोमिनो जापान से निकल जाओ, गेट आउट मोमिनो, मोमिनो का नाम उन्होंने यूज किया है। सर, ये कितनी बड़ी तजलील है हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, कि जापान के लोग कैंपेन स्टार्ट कर चुके हैं कि पाकिस्तानियों, मुसलमानों यहाँ से निकल जाओ, दफा हो जो हमारे मुल्क से, तुम लोगों ने हमारा मुल्क बर्बाद कर दिया, क्या समझते हैं? शर्मिंदगी के बायस है, बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं, दुबई और सऊदी की पहले बात करूंगी, दुबई और सऊदी के अंदर उनके खुद के ऑफिशियल्स ने कहा कि यहाँ आके मांगना शुरू कर देते हैं, वीडियोस निकाल निकाल के उन्होंने सोशल मीडिया पे आम की कि पाकिस्तानी बैकग्राउंड उनका दिखाया कि ये पाकिस्तानी मांगते हैं यहाँ आकर। सऊदी के MBS ने कहा कि हरम के अंदर लिबास पहन के मांगने लग जाते हैं। फिर ऐसी हरकतें जब पाकिस्तानी करेंगे तो जापान समेत जितने दीगर ममालिक है वो तो कहेंगे गेट आउट, हमारे मुल्क से गंदगी खत्म करो। ऑब्वियसली आपकी 100% ठीक है, होता है, इस रियलिटी है ये, लेकिन पाकिस्तानियों को उनके राइट्स दें ताकि उनको किसी और मुल्क जाके भीख ना मांगनी पड़े। हम एक मुगल ऐसी कौम है कि हमें अपने राइट्स चाहिए जो हमें जब हिंदुस्तान हमसे नीचे था, 1960s की बात कर रही हूँ, अभी तो वो बहुत आगे है, जब हिंदुस्तान हमसे बहुत नीचे था तब भी हिंदुस्तान बाहर जाके हिंदुस्तानी मांगते नहीं थे, अपने मुल्क को बदनाम नहीं करते थे, तो उनको भी तो उतने राइट्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन वो तो बदनाम नहीं करते थे। तो पूरा वीडियो देखने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ, ये पाकिस्तानी कौम कभी भी नहीं सुधर सकती है, ये भीख मांगने के लिए बनी है और ये ता उम्र भीख ही मांगते रहेंगे। लेकिन जंग करनी है इनको भारत से, गजवा हिंद करना है इनको भारत में, जिहाद करना है इनको भारत में। अबे रोटी का इंतजाम कर लो पाकिस्तानियों, बाद में कर लेना जिहाद। खैर, कमेंट सेक्शन आपका, आप भी इन पाकिस्तानियों को खरी खोटी सुना के जाइए, क्योंकि ये इसी लायक है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।